नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपना वजन घटाना चाहते हैं और जिंदगी भर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो बस आज का मेरा ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और फॉलो तो जरूर करिएगा, क्योंकि आज आपको मैं इतनी इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाली हूँ जो आज से पहले शायद ही आपने सुनी होगी। ये वीडियो ना सिर्फ आपकी बल्कि आपसे जुड़े हर इंसान की जिंदगी बदल देगा, तो इस वीडियो को कृपया करके बहुत सारे लोगों से शेयर जरूर करिएगा। कभी आपने सोचा है कि आपका वजन बढ़ता क्यों है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाना ज्यादा खाते हो तो वजन बढ़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम खाना नहीं खाते तो भी हमारा वजन बढ़ता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसे क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे कि खाना भी नहीं खा रहे फिर भी वजन क्यों कम नहीं हो रहा? इसका रीजन है वात पित्त और कफ का बिगड़ना। वात पित्त और कफ ये एक ऐसी चीज है, अगर ये बिगड़ जाए तो आप कभी भी पतले नहीं हो सकते, कभी भी बीमारियों से बचे नहीं रह सकते। आपकी एक बीमारी ठीक होगी आपको दूसरी घेर लेगी, दूसरी ठीक होगी तो तीसरी बीमारी घेर लेगी, पूरा जीवन आपका बीमारियों में और दवाइयों में कटेगा। बहुत ज्यादा गहराई से जानने की जरूरत नहीं कि वात पित्त होता क्या है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। सिर से लेकर छाती के बीच तक जितने रोग होते हैं वो होते हैं कफ के बिगड़ने से, और छाती के बीच से लेकर पेट और कमर के अंत तक जितने रोग होते हैं वो होते हैं पित्त के बिगड़ने से, और कमर से लेकर घुटने और पैरों के अंत तक जितने भी रोग होते हैं वो होते हैं वात के बिगड़ने से। हमारे हाथ की कलाई में ये वात पित्त और कफ तीन नाड़ियां होती हैं। भारत में ऐसी नाड़ी विशेषज्ञ भी रहे हैं जो सिर्फ आपकी नाड़ी पकड़कर ये बता दिया करते थे कि आपने एक हफ्ता पहले या दो दिन पहले क्या खाया है और यह आपको अभी कौन सा रोग है। शायद आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि वात पित्त कफ दिखने में कैसा होता है, तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि कफ और पित्त लगभग एक जैसे होते हैं। आम भाषा में जो हमारी नाक से बलगम निकलती है उसे कफ कहते हैं, और कफ थोड़ा गाढ़ा और चिपचिपा होता है। जो मुंह से बलगम निकलती है उसे पित्त कहते हैं, ये थोड़ा कम चिपचिपा होता है, और शरीर से जो निकलने वाली वायु होती है उसको हम वात कहते हैं। कई बार पेट में गैस बनने के कारण सिर दर्द शुरू हो जाता है और आप कफ का रोग सोचते हैं, लेकिन वो कफ नहीं बल्कि वो पित्त का रोग है, क्योंकि पित्त बिगड़ने से गैस हो रही है जिसकी वजह से आपके सिर में दर्द शुरू हो गया है। ये तीनों ही मनुष्य की आयु के साथ अलग अलग ढंग से बढ़ते हैं। जब बच्चा छोटा होता है या पैदा होता है, 14 वर्ष की कम आयु होती है, तो उसका कफ रोग ज्यादा होता है, उसको बार बार खांसी सर्दी जुकाम होता है। लेकिन जब बच्चा 14 साल से 60 साल तक की उम्र तय करता है तब उसको पित्त रोग ज्यादा होता है, जिससे उसके पेट में दर्द, गैस बनना, खट्टी डकारे, और यही जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसमें वात के रोग ज्यादा बढ़ते हैं, जिससे उनके आपने नोटिस करा होगा घुटनों का दर्द और जोड़ों का दर्द होता है। भारत में 3000 साल पहले एक ऋषि हुए जिनका नाम था बांगभट्ट। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिनका नाम था अष्टांग हृदय। उसमें से मैं आपको एक सूत्र के बारे में बताना चाहूंगी, और वो सूत्र में वात पित्त और कफ को संतुलन रखने की बहुत अच्छी कला के बारे में बताया गया है। सबसे पहली कला जो आपने सीखनी है अगर आप जिंदगी भर अपने बॉडी को मेंटेन रखना चाहते हैं, पतले रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको कभी भी कोई रोग ना हो, तो जरूर ये बात का ध्यान रखें और गांठ बांध लें। जब भी आपने खाना खाना है तुरंत उसके बाद पानी नहीं पीना। बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है, हम तो नहीं पीते, लेकिन 99% लोग आज भी ऐसे हैं जो पानी इमीडिएटली पीते हैं खाना खाने के बाद, या 2-3 टुकड़े रोटी के खाते हैं फिर पानी पीते हैं, फिर खाते हैं फिर पानी पीते हैं। ऐसे में उनकी जो पेट की अग्नि होती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। जब आप घर में खाना पकाते हैं तो खाना क्या आप ठंडे चूल्हे पे पकाते हैं? गैस जलाते हैं तभी आपका खाना पकता है ना, और तभी तो आपका खाने में स्वाद आता है। ऐसी जब हमारे पेट में हम कुछ खाते हैं तो हमारी ऊर्जा में तभी तब्दील होती है जब हम उस अग्नि को पूरी तरीके से जलने देते हैं। हमारे पेट के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे कहते हैं अमाशय, उसी स्थान को संस्कृत में कहते हैं जठर। ये एक थैली की तरह होता है और ये जठर हमारे शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा खाना सबसे पहले इसी में आता है। ये बहुत छोटा होता है, इसमें अधिक से अधिक 350 ग्राम खाना ही आ सकता है। हम कुछ भी खाते हैं तो ये हमारे अमाशय में आता है। अमाशय क्या होता है? खाना जैसे ही पहुंचता है तो भगवान की बनाई हुई कुछ ऐसी व्यवस्था है कि हमारे शरीर में अंदर ना अग्नि जलने लगती है। अमाशय में अग्नि जब जलती है तो उसे कहते हैं जठराग्नि, और जब आप इस आग को शांत कर देते हैं पानी पीकर तो आपकी जठराग्नि बिल्कुल हो जाती है शांत, जिससे कि आपका खाना पचने की जगह सड़ने लगता है। और जब खाना पचेगा ही नहीं, जब वो सड़ेगा
तो वो आपको सिर्फ बीमारियां ही देगा। अब सबसे पहली बात आ जाते हैं कि जब खाना सड़ता है तो हमारे शरीर में क्या होता है। सबसे पहले जब हमारा खाना सड़ता है हमारे शरीर में तो यूरिक एसिड पैदा होता है। आपने डॉक्टर को कहते हुए सुना होगा कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरे घुटने में बहुत दर्द है, कंधे में दर्द है, मैं से उठा बैठा नहीं जा रहा, चला दौड़ा नहीं जा रहा, तो ऐसे में डॉक्टर कहता है अपना यूरिक एसिड चेक कराओ। यूरिक एसिड वो जहर है जिसे अगर हमने कंट्रोल नहीं करा तो हमारे शरीर में वो इतना फैल जाता है कि हमारा जो बाथरूम है, हमारा जो पॉटी है, वो तक हमारे बिस्तर पर निकलना शुरू हो जाती है। क्योंकि वो कंट्रोल जब अगर आप उसको सही समय पे नहीं करेंगे तो वो डे बाय डे बढ़ता ही जाएगा। और दूसरा उदाहरण, जब खाना सड़ता है तो यूरिक एसिड जैसे कि दूसरा विष माना जाता है जिसे हम कहते हैं LDL, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटिव, माने खराब कोलेस्ट्रॉल। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कहता है कि आपका हाई बीपी है तो आप पूछते हैं हाई बीपी मतलब, तो वो कहता है आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है। और जब आप उससे पूछते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कैसे बढ़ गया, तो वो बोलता है आपको LDL हो गया है, या आपको बोलता है VLDL हो गया है, मतलब जो आपने खाना आपका सड़ चुका था वो जहर बन चुका है, विष बन चुका है। आज से दोस्तों ये बात गांठ बांध लें कि जिंदगी भर अगर आप ठीक रहना चाहते हैं तो ये तीन बीमारियां आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल, एक आपका बीपी हाई, बीपी लो, जो आजकल बहुत नॉर्मल हो रहा है। लोग क्या करते हैं, बीपी की गोली खा लेते हैं, लो है या हाई है, अगर कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो गोली खा लेते हैं। लेकिन कभी अपने दिमाग को खोल कर सोचो कि अगर गोली खाओगे तो जिंदगी भर कैसे जियोगे। इससे बढ़िया आप ये सोचो कि जो खाना आप खा रहे हो उसको आपको पचाना है, जठ अग्नि को शांत नहीं करना बल्कि उसको ज्वलित रहने देना है ताकि वो खाना पच सके। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो उसको हमें पचाना है। अगर आपने 100 ग्राम खाया तो 200 ग्राम खाया तो आप उसको पचाओ, 300 ग्राम खाया तो 200 ग्राम पचाओ नहीं बल्कि पूरा का पूरा 300 ग्राम पचाओ। खाना पच नहीं रहा तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में विष पैदा हो रहा है। और अग्नि को पूरा खाना पचाने के लिए कम से कम 1 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। इसके बाद हमारी बॉडी से रस बनने लगता है और वो रस हमारे धीरे धीरे शरीर में सारी चीजें पैदा करता है, हमारी बॉडी अच्छी बनाता है, हमारा खून बहुत अच्छा चलने लगता है शरीर में और बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में बनने लगती है, मतलब जो खाने से फायदा होता है वो हमारे पूरे शरीर में मिलने लगता है। तो अगर आपको भी आज से एसिडिटी की समस्या है, आपका वेट कम नहीं हो रहा, या आपको बीपी हाई, बीपी लो, डायबिटीज, बैड कोलेस्ट्रॉल, आपको हैवीनेस रहता है, आपकी लिवर पे फैट आ चुका है, ये सारी समस्याएं अगर आपको है तो समझ लीजिए कि खाना जो आप खा रहे हैं वो आपका पच नहीं रहा। और उसको पचाने के लिए आपको खाना खाने से 45 मिनट पहले पानी पीना है और खाना खाने के कम से कम 1 घंटे 48 मिनट बाद आपको पानी पीना है। अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपसे बेट लगाती हूँ कि आप जिंदगी भर निरोग रहेंगे और मेरी इस वीडियो को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ऐसी इस वीडियो को जमकर शेयर करें ताकि छोटी सी इन्फॉर्मेशन और उसकी इतनी बड़ी वैल्यू सब तक पहुंच सके और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सके। ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।